नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अब इसे विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही कहें या फिर आजमगढ़ जिले में जानवरों का आतंक। 2 अक्टूबर को जहां एक तरफ पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के जिला निर्वाचन कार्यालय पर फहराया गया तिरंगा लगभग आधे से ज्यादा डंडे के नीचे गिरा हुआ था। मामले की जानकारी जैसे ही जिलाधिकारी आजमगढ़ एनपी सिंह को हुई, उन्होंने एडीओ के जरिए झंडे को दुरुस्त करवाया। लेकिन इस बीच जो हुआ वह हम आपको बताते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय पर फहर रहा यह तिरंगा देखिए जरा आधे से ज्यादा झंडे के नीचे लगा हुआ है। ऑफिस के कर्मचारी ऑफिस बंद करके नदारद थे। पूछने पर यह पाया गया कि यहां लोग आए थे, ध्वजारोहण किए और चले गए। बहरहाल इस मामले को जिलाधिकारी आजमगढ़ तक पहुंचाया गया, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कहीं न कहीं से इस पावन मौके पर हो रहा था। उन्होंने तुरंत एडीए के जरिए यह सूचना भिजवाई कि जिला निर्वाचन कार्यालय पर लग रहे झंडे को तुरंत सही कराया जाए, जिसके बाद आनंद फानन में मौके पर पहुंचे कार्यालय प्रभारी लल्लन राम और उनके सहयोगियों द्वारा ऑफिस खोला गया। बाद में जब हमने पूछा कि आखिर इस पावन मौके पर यह तिरंगा इतना नीचे क्यों है, तो उनका कहना था कि आप खुद देख लीजिए, यहां जानवरों का आतंक है। इसके अलावा यह झंडा गिरा हुआ या झुका हुआ नहीं है, केवल सरका हुआ है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी जहां एक तरफ सरकारी कार्यालयों में पान मसाले की मनाही है, वहीं यह महोदय बकायदे पान खा करके अपनी बाइक मीडिया को दिए। और इतना ही नहीं, मीडिया को मुखातिब होने से पहले यह अपने ऑफिस के बाहर ही थूकना उचित समझे। उनका कहना था कि वैसे तो वह पान कोई खाते नहीं है, लेकिन किसी ने खिला दिया तो वह खा लिए। बहरहाल चाहे जो भी हो, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं न कहीं से जिलाधिकारी की तत्परता काबिले तारीफ है। वहीं दूसरी तरफ यदि विभाग के कर्मचारियों से लापरवाही हुई है, तो निश्चित तौर पर वह भी दंड के भागीदारी हैं। अभी 15 मिनट हुआ, आदमी खाना खाने गया, अभी होटल में गया है बंद करके खाना खाने के लिए। झंडा सही था, बंदर जानवर है, ऊपर से कूदे और खसक गया। बाकी झंडा तो झुका नहीं है, गिरा नहीं है। हम तो भाई हाई है, लेकिन अब बताइए उसको कैसे क्या किया जाए। जानवर इतने हैं, बंदर इतने हैं, अब भाई उसको तो भाई वहीं हम बैठेंगे नहीं। भाई खाना खाएंगे, सबको भी खाना पिया या पेशाब करने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज ये है कि मुख्यमंत्री जी का एक फरमान है कि सरकारी कार्यालयों में पान गुटखा खा के नहीं कोई जाएगा। आप खुद पान खाए हुआ यहीं अभी थूक रहे थे। अरे अभी एक आदमी मिल गए, हम नहीं खाते भी नहीं है। अभी हाँ भी तो है, बाहर में थूके है ना। अरे यही ऑफिसिया के पास, नहीं नहीं बाहर में थूके हैं, ऑफिस के अंदर थूके नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए। अरे आप लोग मीडिया वाले हैं भाई, ऐसा छोटी छोटी बात के लिए ये सब क्या है? अरे तो हमारा थोड़ा चुका हुआ भाई, मतलब आपका कार्यालय है।